जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा शुभ प्रभात। और इस वक्त मैं आया हूँ राजकीय अस्पताल जो है गंगापुर सिटी का सामान्य चिकित्सालय वहाँ पर। और यहाँ आकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने देखी जो शायद आने वाले समय में एक बड़ी मुसीबत बन सकती है, और वो क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, लेकिन आउटडोर 1100-1200 जिस हॉस्पिटल में पहुंच रहा है बेहताशा भीड़ जहाँ बढ़ रही है, उसके बावजूद लोग ना तो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और उसी को लेकर के मैं आज आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है सर। ये देखिए राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी। और अब यहाँ का जो भीड़ भाड़ है वो तो मैं दिखा ही रहा हूँ, साथ में आपको ये भी दिखाता हूँ कि यहाँ कितने लोग हैं जो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। एक एक चेहरा आप देख लीजिए। तो आप देखिए इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा है। सोशल डिस्टेंसिंग तो चलो दूर की बात है, इन लोगों का ये भी कहना है कि साहब आउटडोर जब ज़्यादा बढ़ रहा है तो पर्ची काउंटर और होने चाहिए, लेकिन पर्ची काउंटर बहुत कम है। और ये समस्या सबसे बड़ी है, भीड़ तभी लगती है जब जल्दी काम नहीं होगा, टाइम लगेगा तो भीड़ बढ़ेगी। हॉस्पिटल प्रशासन कोई कार्य नहीं कर रहा है, डेढ़ घंटे से घंटा दे रहा है हम मंदिर वाला। और पहले भी हम इस समस्या को उठा चुके हैं कि जब तक पर्ची काउंटर नहीं बढ़ेंगे लोगों की मुसीबत कम नहीं होगी। जब आउटडोर तेज़ी से बढ़ रहा है तो आप देख लीजिए पर्ची केवल ये दो स्थानों पर बनती है, जबकि पहले काफ़ी सारे काउंटर यहाँ चालू थे। अंदर का सूरत हाल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं बिल्कुल विनोद भाई आप सही कह रहे हैं कि सख्ती अब प्रशासन को हर जगह करनी पड़ेगी। ये मत भूलिए कि ये वही मार्च का महीना है, और दूसरी बात कि मैं आपको यहाँ का सूरत हाल भी दिखा देता हूँ। कितने लोग हैं जो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। केवल दो ही जो काउंटर हैं वहाँ पर्ची बनती है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और लोगों की भीड़ इसीलिए बढ़ती है कि आप सिर्फ दो काउंटर से, और आउटडोर जब बेहताशा बढ़ रहा है तो ये व्यवस्थाएं तो करनी पड़ेंगी। चलिए मिलने का प्रयास करेंगे पीएमओ साहब से। वोटा पार्टी मतलब मनीष सर सुनो ये बताओ वो पीएमओ सर कहाँ मिल सकते हैं। पीएमओ सर ऑफिस में होंगे, पीएमओ ऑफिस वहाँ नहीं है। कुल मिला करके मैं अब आगे का सीन आपको दिखाता हूँ। प्रीति मैम पीएमओ साहब कहाँ मिल सकते हैं। पीएमओ ऑफिस अभी यहाँ पीएमओ साहब नहीं है, उनसे ज़रूर मैं मालूमात करूँगा कि बार बार कहने के बावजूद भी जो
पर्ची काउंटर है वो क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। इन दिनों पेशेंट ज़्यादा आने लगे हैं क्योंकि वायरल फीवर जो है वो बढ़ रहा है। और समस्या ये है कि सिर्फ दो काउंटर ही चालू हैं और उन पर भीड़ का जो आलम है वो आप देख सकते हैं। सर केवल दो ही काउंटर चालू हैं क्या आपके? ये बंद से ये चालू है। खड़ी है सर, थोड़ा सा कोऑपरेट करो ताकि भीड़ कम हो थोड़ी सी। मैं अभी दिखा देता हूँ, आपातकाल आज समझ नहीं आ रहा कि बंद क्यों है। आपातकाल जो है बिल्कुल विनोद भाई आप सही कह रहे हो कि लोग कैमरा देख करके मास्क यूज़ कर रहे हैं, वरना कंडीशन तो अच्छी नहीं है। और मैं PMO साहब से भी अब मुलाकात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि बार बार कहने के बावजूद भी जो पर्ची काउंटर हैं उनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। कैसे आना हुआ? यह हालत है हॉस्पिटल की, देख सकते हैं। हालांकि इन दिनों मरीजों की जो भीड़ है ना वो भी अच्छा बढ़ने लगी है वायरल की वजह से, लेकिन मास्क का जो प्रयोग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वो तो लोगों को यूज़ करनी पड़ेगी। और उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप पर्ची काउंटर जो हैं उनकी संख्या बढ़ाएं। ये सबसे बड़ी और लंबित मांग है कि आप इस चीज़ में लापरवाही कैसे कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।